हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज माधव की रसोई में क्या बन रहा है, सबको राम राम। और आज हम बना रहे हैं गोभी की एकदम अलग यूनिक सी सब्जी। तो इसको बनाने के लिए हमने गोभी को काट के और बॉईल करने रख दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं नमक और डालूंगी हल्दी और इसको मैं मिक्स करूंगी। अब ये गोभी हमारा उबल चुका है अच्छे से। अब मैं इसको देख लूंगी कैसा उबला है, बस ऐसे थोड़ा सा हमारा गोभी हमने पानी से बाहर कर दिया है इसको। और मैं लूंगी 3 चम्मच दही और इसमें डाल बुने हुए चने होते हैं ना, चनों को बिना छिलके के चने आते हैं उनको मैं इसमें डाल दूंगी। 3 मिर्च और ये है तो थोड़े से काजू, 10 से 12 काजू हैं और मैं इनका काजू का पेस्ट बना लूंगी। इसमें मैं अब क्या करूंगी, इसमें मैंने इसको डाल दिया गोभी को बाउल में। बाउल में डालने के बाद में इसको मैं कोट करूंगी इस काजू की और दही की ग्रेवी से। बस अब हमने इसको ग्रेवी को इसमें डाल दिया। डालने के बाद में इसको चलाऊंगी और बस इसको कोट कर दूंगी अच्छे से। बाकी 2 मिनट इसे चलाने के बाद में मैं इसको ढक के रख दूंगी और बस अब इसको मैं ढक दूंगी और आगे कार्रवाई करते हैं। उसके लिए हमें तड़का लगाने की तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए हम रखें गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई हम रख चुके हैं और अब इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल हमारा हो रहा है गरम। इसमें डाला थोड़ा जीरा, हींग और ये लाल मिर्च, तेज़पत्ता और दालचीनी, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको चलाऊंगी। बस अब हमारा ये जीरा भी भून चुका है। अब मैं इसमें टमाटर की ग्रेवी डाल दूंगी। ग्रेवी डालने के बाद में चलाऊंगी निकल रहा है। अब इसमें लाल मिर्च, लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी मिर्च में जो डालते हैं, ये जो कश्मीरी होती है ये तीखी नहीं होती। तो ये है धनिया 1 चम्मच, धनिया पाउडर है। बस इसमें हल्दी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बिना हल्दी से बना है। काजू और दही की ग्रेवी बना के उसको कोट करके, जैसे हम सोयाबीन की कढ़ी बनाते हैं कोट करके, वैसे मैं ये गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मेरे पास है थोड़े से आलू उबले हुए हैं, बॉईल किए हुए, उनको मैं क्या करूँगी इसके अंदर डाल दूँगी और उनको भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। ढक दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए। ढकने से क्या होगा कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा, करारे करारे। अब बस हमने हमारे आलू अच्छे से इसमें पक चुके हैं, पके हुए थे और मैंने इनको पका दिया, तल गए हैं जैसे हम तलते हैं ना, वो मैंने इसी के अंदर तल दिए। और अब बस मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी जो हमारे पास गोभी है कोट किया हुआ, वो इसमें मैं डाल दूंगी। रहा है ना जैसे हमने व्हाइट पास्ता बनाया है। हाँ। है ना, मज़ेदार सब्जी, बहुत यूनिक सब्जी है। और आप इसको परांठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटियों के साथ,
खा सकते हैं। आज मैंने ये लंच में बनाई है गोभी आलू काजू दही की ग्रेवी के साथ। बस अब हमारी ये बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि अब इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें दो से तीन चम्मच पानी की फीके लगेंगे। हमारे पास पानी है, इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा फिर से इसको चला दूँगी। हाँ, मेरी ये सब्ज़ी आपको अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या इसमें मुझे आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो मैं फिर आगे से अपना सुधार करूँगी। तो इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि इसमें क्या कमी है मेरी सब्ज़ी में या किस चीज़ की कमी है, तो वो मुझे बताएंगे तो आपकी मैं बहुत आभारी रहूँगी। और इसमें मैंने डाला नमक, नमक मैं बाद में डाल रही हूँ इसमें, और नमक को भी हम मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी, इसकी एक अच्छी सी महक आ रही है, बहुत अच्छी इसमें महक आ रही है सब्ज़ी की, और इतनी टेस्टी बनती है ये, आप एक बार ज़रूर बना के देखें। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखें, गोभी को हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा बस बॉईल करना है, और इसमें हल्दी नहीं डालनी है, बाकी सारे मसाले आप जो डाल दें बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा कोई मसाले नहीं है ख़ास, जितना आप चटपटा खाना चाहते हो वैसे ही आप इसको बना सकते हैं। तो ये आज की हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी। बस अब हम गैस बंद कर देंगे। हम निकालेंगे एक बाउल में सब्जी। ये है आज की हमारी दही और काजू की ग्रेवी की गोभी आलू की सब्जी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है जरूर बताएं। और जिसको भी मेरे हाथ की ये वाली सब्जी खानी है तो मेरे घर पे आना पड़ेगा और मैं सब्जी आपको बना के ज़रूर खिलाऊंगी। सब्जी के साथ में परौंठी खिलाऊंगी। तो आइएगा और मेरी सब्जी को एंजॉय कीजिएगा। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।